प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले और उन्हें बिना किसी परेशानियों के दिव्यांगता के प्रमाण पत्र बन सके, इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में समय समय पर दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जाता है। उसी के दौरान गुरुवार के दिन जनपद बागली परिसर में दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। हालांकि दिव्यांग शिविर में जांच सुविधा का अभाव देखने को मिला, जिसके कारण दिव्यांगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। शिविर में दिव्यांगों के कुल 365 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 268 आवेदनों के आधार पर दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में दिव्यांग शिविर में पहुंचे, जहां पर 4 डॉक्टरों द्वारा संबंधित दिव्यांगों का प्रशिक्षण किया गया। सुबह से शिविर में दिव्यांगों की भीड़ लगना शुरू हो गई थी। प्रमाण पत्र के आधार पर शासन की योजना के अंतर्गत संबंधित दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ सहित अन्य उपकरण वितरण किए जाएंगे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। शिविर में दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शिविर आयोजन किया गया है। जो जिन जिन दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बन चुके हैं, उनके UDID प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर आयोजन किया गया है। अभी प्रमाण पत्र जारी करने बाद शासन की ओर से क्या सुविधा दी जाएगी? प्रमाण पत्र जारी होने के बाद जो दिव्यांगजन 40% अबाव है, उनको जो पेंशन स्कीम्स हैं उनका लाभ दिया जाएगा। जो 80% हैं, उनको मोटर ट्राइसिकल या ट्राइसिकल के लिए अगर वो पात्र हैं तो उनको दिया जाएगा। यही योजना है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।